इस चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चलता है। एक भाई हमारे साथ दिख रहे, भागी के मत, क्या नाम हुआ आपका? संजय। वोट देने चाहिएगा ना? कहा है वोट तो आपका अधिकार है, वोट देने जाना भी चाहिए। जाना जाए करते हैं। जी जी। कितना दूर है आपके घर से जो बूथ है वो? हम लोग का बूथ है कम से कम 2 किलोमीटर। पैदल चल जाते हैं या गाड़ी उड़ी की व्यवस्था? नहीं, हम लोग पैदल भी चल जाते हैं, नहीं तो गाड़ी अपना ले आता भेजता है कोई, तो उस गाड़ी भी चल जाते हैं। अच्छा, एक बात हम पूछ रहे हैं, इस बार जो ये चुनाव होगा, अच्छा आप तो यही ससरम के रहने वाले? नहीं, रहने वाला हम भगवान का है। अच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है कि इस बार कैसा प्रतिनिधि चुनना है और किस टाइप के लोग होने चाहिए जिससे इस क्षेत्र का विकास हो? अरे हम लोग देख रहे हैं कि मोदी के चलते बहुत दुखदायी हो रहा है। मोदी के चलते बहुत परेशानी हम लोग कह रहा है, कमाई समाई हो रहे हैं, भोजन भी नहीं चल रहा है, कितना परेशानी हम लोग हो रहा है। ठेला वालों को देख ही रहे, एक माल साल नहीं आ रहा, जितना दिन से हो तितना दिन से दिक्कत आई। अच्छा, ठेला से ही आपका रोजी रोटी चलता है? दिन भर मेहनत करते हैं? हाँ, सारा दिन। मोदी जी उनकी टीम चाहे बीजेपी तो कहती है कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो कुलचा खोलने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए तो हम काम कर रहे हैं। एक राशन मिलता है, इतना हम लोग ना खेत है ना बारी है ना, हम लोग बिहार सरकार में है, सोचिए राशन भी नहीं मिलता है, तो किसी चलाते हैं भोजन चल रहा है बस। ठेला चला के कितना कमा लेते हैं दिन भर? अरे कितना, 300-400-500 यही बस, एक से आगे नहीं। उसमें रोजी रोटी चल जाता है? नहीं चलता है, उसी में थोड़ा काट कूट कर कैसे हम चला रहे हैं और क्या, उसी में काट कूट कर कैसे हम चला रहे हैं। नहीं, नहीं, आप मोदी जी के बाद अगर आप दूसरा कोई विकल्प सोच रहे हैं? अच्छा। तो वो आएंगे तो क्या करेंगे कि आपका रोजी रोटी बेहतर चलने लगे? तो वो आएगा तभी ना बताएगा क्या करना है उसको, जब जीतेगा तभी ना बोलेगा। मोदी जी से खुश नहीं है? नहीं, हम लोग दिक्कत है। अच्छा, मोदी जी के नहीं आने से पहले क्या सोच रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा और क्या नहीं हुआ? अच्छा, तो ऐसे का हम लोग सोच रहे कि मोदी जी से नहीं हर जाते, अभी बतियाते हम लोग है सारा ठेला वाला, हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग कोई ठेला वाला वोट नहीं देंगे। नहीं, सारा जितना 8-9 लोग हम लोग वेट में है, 8-9 कहता है कि नहीं हम लोग वोट नहीं। आपके दिन में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिस तरह से गरीबी में थे उसी तरह थे? उसी तरह कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह। वोट देने तो जाएंगे ना? तो वोट देके, वोट तो किसी को देना ही देना है, वोट क्यों नहीं देंगे? वोट तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में, वोट नहीं। हम लोग को जो अच्छा लगेगा उसको देंगे, जो अच्छा हम लोग को समझ में आएगा, और 10 आदमी कोई भी होगा तो बताइए ना करेगा कि किसको वोट देना चाहिए। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। गार्जियन भागिए के मत आइएगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से लोग अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए उत्सुक हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कौन आपके नज़र में बेहतर नेता हो सकता है? हमारे नज़र में अभी जो हम प्रत्याहत के रहने वाले हैं, जी जी, और शिवसागर से दक्षिण चेन्नारी ओला रोड में है, और वहां पर हम लोग मोदी जी ऐसा सरकार कोई नहीं है, अब उनको देना बहुत। मोदी जी को जी। अच्छा, आप कृषक हैं, किसान हैं? हम किसान जी। मोदी जी से आप खुश हैं? जी। क्या कोई एक ऐसा काम बताइए जिसको जो मोदी जी आपके लिए किए हों और उससे आप खुश हों? हम लोगों को देते हैं क्या कहला, 2000 रुपया हम निजी किसान के देते हैं। अच्छा, खाद पानी समय से मिल जाता है, नहर के पानी मिल जाता है, यही ना चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए किसान। क्या नाम हुआ आपका? है? आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ राम आशीष शाह। साहब जी, आपको जिस तरह से मोदी जी ने आपके अकाउंट में 2000 रुपया भेजा किसान, जिसे खाद वगैरह खरीदने में तो सहूलियत आपको हो जाती है? जी 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 जी, इसीलिए आप खुश हैं? जी जी। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम बात करेंगे, लोकसभा चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं आप? हम किसी को नहीं देते हैं। वोट देने नहीं जाती हैं? ये तो गलत बात है, वोट देने जाइए माता जी, सब काम छोड़ के वोट। कोई मेरा काम नहीं करता, वोट नहीं देता। आखिर किस बात की नाखुशी है? देखिए, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम वोट देने ही नहीं जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम जाएंगे लेकिन सारे काम छोड़ के, वोट देने तो आपको जाना चाहिए। कुछ लोग और हैं भाई, एक मिनट, वोट देने जाते हैं? जी, वोट देना तो जाना चाहिए। जी, हम जाना चाहिए। किसकी सरकार से आप खुश हैं? केंद्र सरकार में अगर आपको किसी विकल्प चुनने की बात हो, लोकसभा है, किसके सरकार से आप खुश हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल में माने देखा जाए तो अभी बीजेपी का जो है अच्छा माने देखने के लग रहा है कि सरकार अभी देती है, लेकिन यहाँ पर अभी अमित कुमार पासवान आ गए तो इसके लिए त्रिपुरीय श्रृंखला देखने को मिल रही है। अच्छा, अमित पासवान निर्दलीय उम्मीदवार? जी नहीं, अभी वो हैं आजाद समाज पार्टी बीमारी जो है उनके आए हुए हैं, अभी टिकट मिला हुआ है। काराकाट में पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, वहाँ पे अभी फिलहाल में मेरा रिलेशनशिप है, उधर हम गए थे कल, तो अभी
फिलहाल में जनता का रुझान है पवन सिंह की तरफ, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे काम कुछ जनता के जो बोल रही है काम अभी कुछ किए नहीं है। वहाँ पे मैंने फेसबुक पर भी देखा है कि बहुत जगह जा रहे हैं तो जनता उनको वहाँ से दूर दूरास कर रही है। एक मिनट आपका भी टाइम लेंगे। हाँ, कर रही है। तो हमको देखने से वहाँ पे पवन सिंह का भारी जो पकड़ है, पकड़ है, जो भीड़ दिख रहा है उसे। जी जी, वोट देने तो जाइएगा ना। जाएंगे, वोट आपका अधिकार है। बिल्कुल, आपके मन में क्या चल रहा है, कौन आपका बेस्ट लीडर हो सकता है, जो अगर आप सासाराम से हैं तो सासाराम का विकास कर सकते हैं या काराकाट से हैं तो काराकाट का विकास कर सकते हैं। सासाराम में सर तो अभी जितने रहा अभी तो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस ठीक है यहाँ पे? जी सर, क्योंकि मीरा कुमार भी 10 साल रही, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय बनवाया बेदा में, और बेदा में उन्होंने पावर ग्रेड भी उन्होंने ही बनवाया मीरा कुमार का देने। तो ये सब इतना लाइटिंग देख रहे हैं यहाँ से, पूरा मीरा कुमार का ही देन है जो पूरा उन्होंने अपने शासनकाल में लगवाया था। लाइटिंग वोटिंग जो है मीरा कुमार के टाइम पर। मोदी जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो केंद्र में उन्होंने प्रधानमंत्री रह के? मोदी जी केंद्र के लिए ठीक है, लेकिन उनका जो एमपी जो जीत के जाते हैं मोदी के नाम पर ही जीत के जाते हैं, क्षेत्र में आते नहीं घूमने के लिए। मतलब मोदी के पक्ष में है, यहाँ के जो सांसद हैं उनके पक्ष में आप लोग थोड़ा सा उदासीन है? हाँ, क्योंकि उन लोगों जो एमपी जीत के जाते हैं दोबारा क्षेत्र में आते नहीं है, वो सोचते हैं कि मोदी जी हैं तो मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे। कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद वही चाहते हैं कम से कम क्षेत्र में आए, क्षेत्र की जनता से मिले, क्षेत्र के बारे में अपना जो भी कार्यक्रमों के बारे में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है गाँव में क्या, क्योंकि हमारा शहर जो है गाँव से बनता है। गांव हमारा ठीक होगा तो शहर भी ठीक होगा। थैंक यू सर, आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका बहुमूल्य समय लेना चाहूँगा। एक और गार्जियन है, क्या नाम हुआ, वोट देने तो जाइएगा ना? जाएंगे। किस क्या मन में चल रहा है? मन में क्या चल रहा है, जो अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। अभी तक वाचिंग वेट में है कि कौन किसको, निर्णय तो कुछ होगा मन में। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी को तो अच्छा है, उसको तो देने के हम मूड बनाए हैं। स्थानीय सांसद? स्थानीय सांसद तो चुनना है ना, चुन के जाएंगे तभी तो आप केंद्र में किसी सरकार को बनाएंगे, तो उसी को चुनेंगे। लेकिन अच्छा है नहीं, है दूर वाले, लोकल है नहीं। अच्छा, अपना नाम बताइए। नाम चंद्रधन सिंह। काराकाट के बारे में क्या सोच रहे हैं? काराकाट बड़ी चर्चा में है इस बार, पवन सिंह आ गए हैं वहाँ पे, उपेंद्र कुशवाहा है। पवन सिंह नहीं जीतेगा भाई, पवन सिंह नहीं जीतेगा। भीड़ देखे हैं पवन सिंह के पीछे जो भीड़ चल रहा है? तो भीड़ से क्या मतलब है, भीड़ तो जवान वाले लड़के हैं तो जीबे करेंगे, गायक है ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह खेल बिगाड़ने के उद्देश्य से उतरे हैं, ऐसा सच है क्या? खेल तो बिगड़े करेंगे, जीतेंगे नहीं तो जीतने भी नहीं देंगे। उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा बड़ी है, बड़ी है उपेंद्र कुशवाहा को परेशानी बड़ी है, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो बड़ी है। आप क्या सोचते हैं, पवन जीतेगा या नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, जीतेगा नहीं। थैंक यू। लेकिन आप अगर सासाराम के रहने वाले हैं, सासाराम में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस जो मन में आप लोग को लगता है कि कोई बढ़िया सांसद हो जाए तो सासाराम के इस समस्या को हल करता है? सासाराम का सांसद कभी अच्छा हुई भी नहीं करेगा। बात यह है कि यहाँ सब अनुसूचित जाति वाले हैं, वो काम करते नहीं है कभी नहीं। वोट जाति में बढ़ जाता है क्या, कि पार्टी पार्टी में बदल जाता है? जाति में तो जाता ही है, लेकिन जाति कहाँ, यहाँ पर जाति थोड़ा काम करता है, पार्टी पार्टी काम करती है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सांसद कोई काम नहीं करता है। हमने बहुत मीरा को भी देखे, शेरी पासवान को भी देखे, अभी अब आ रहा है तो इसको भी देखेंगे। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये सासाराम का हाल था, लेकिन 9 तारीख को हम दिखाएंगे जब यहाँ क्राउड बढ़ेगा और जब प्रत्याशी जो स्टार प्रत्याशी हैं पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम तरह के जो लोग हैं वो जब आएंगे और ये शहर की जो क्राउडेड भीड़ होगी उस समय की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।